आज की वीडियो में एक बहुत ही कमाल की आरसी ओमनी स्कूल वैन की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद स्कूल जाते समय इस तरह की कार में ट्रैवल किया होगा। आज देखिएगा इस ओमनी का आरसी वर्जन कैसे परफॉर्म करता है। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, उसके बाद इसकी बहुत सारी कार्स के साथ फाइट कराऊंगा। ये सारी कार्स मैंने यहाँ पे रख दी है, ये देख सकते हो। और ये है एक टाटा का छोटा हाथी ट्रक, ये है पुलिस की जीप, ये एक जंगल सफारी ऑफ रोड आरसी कार है, ये है टाटा का योद्धा पिकअप ट्रक। तो चलो गाइस फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं ये कार कितनी ज्यादा पावरफुल है। लेट्स स्टार्ट। ये कार स्कूल वैन की जैसे यूज होती है, कुरियर सर्विस में भी यूज होती है और टैक्सी में भी यूज होती है। इसके पीछे यहाँ पे इसकी चैसिस या फिर फ्रेम दिया गया है, रियल व्हील ड्राइव है, यानी कि ये जो कार है ना टू व्हील ड्राइव पे ही चलती है। ये आ जाती है WPL की तरफ से। WPL के मेरे पास वैसे तो बहुत सारी आरसी कार्स है, आज उन सभी आरसी कार्स के साथ इसकी भी मैं फाइट कराने वाला हूँ। बॉक्स को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। गाइस आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। कार का साइज काफी ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये 1:10 स्केल मॉडल पे बनाई गई है। इसके साथ बहुत सारे स्टिकर्स मिलते हैं और बहुत सारे अलग अलग टूल्स भी दिए जाते हैं कार के ऊपर लगाने के लिए। यहाँ पर है इसकी बैटरी डुअल सेल वाली देखने को मिल जाती है, और ये 7.4 वोल्ट की 600 mAh की बैटरी है। चार्जर है, एक स्क्रू ड्राइवर भी दिया गया है और थोड़े बहुत पार्ट्स भी इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये है इसकी यूजर गाइड। अब निकालते हैं हमारी कार को यहाँ से। ओके, ये रहा इसका रिमोट। बिल्कुल ये रिमोट है ना यार, छोटा हाथी ट्रक के जैसा ही इसके अंदर रिमोट देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग काफी ज्यादा कमाल की है। अभी निकालते हैं कार को। येलो कलर में कार बहुत ज्यादा कमाल की लग रही है यार। जहां तक बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, एकदम तगड़ी वाली बिल्ड क्वालिटी इसके अंदर दी गई है। इसके ऊपर मैंने चटपट टॉय टीवी के स्टिकर्स भी चिपका दिए हैं। वैसे गाइस आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो यार, आप स्कूल में पढ़ते हो या फिर कॉलेज में पढ़ते हो, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। इस तरह की सीट्स दी गई है। पीछे की रो में भी एक एक्स्ट्रा सीट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इसके डोर हैंडल्स है। स्टीयरिंग देखो यार कितनी ज्यादा बड़ी इसके अंदर दी गई है, मजा आ गया इसकी डिटेलिंग देख। हाइट मिरर्स भी इसके अंदर लगाए गए हैं। यहाँ पर कंप्लीटली ग्लास यूज किया गया है। सामने की तरफ थोड़े बहुत स्क्रैचेस भी आ चुके हैं यार। यहाँ पर वाइपर भी देखने को मिलता है, हेडलाइट्स भी देखने को मिलती है। ये इसकी सामने की ग्रिल है, यहाँ पर इंडिकेटर है और यहाँ पर सामने का बंपर भी दिया गया है। हम चाहे तो यहाँ पर नंबर प्लेट भी लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ बॉडी कंप्लीटली प्लास्टिक की बनी है और बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा सॉलिड इसकी मेरे को लग रही है। इसके अंदर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया है। ये मोटर पीछे के व्हील से कनेक्टेड है, सामने के व्हील से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से ये टू व्हील ड्राइव ही है। यहाँ पे एक रॉड दिया गया है, इसको हम लोग ऐसे करके ऐसे करेंगे तो यहाँ से खुल जाएगा। यहाँ पर अभी हम लोग बैटरी वगैरह भी लगा सकते हैं। ये चीज इसके अंदर मेरे को काफी ज्यादा सही लगी। सैडली इसके डोर्स हम लोग ओपन नहीं कर सकते। तो ये रहा छोटा हाथी ट्रक। तो चलो गाइस फटाफट से बॉक्स को यहाँ से मैंने ओपन कर लिया। गाइस आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया था, जरूर से फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी भी है चटपट टॉय टीवी, वहां पे भी मैं बहुत कमाल कमाल के वीडियोस डालता रहता हूं। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे बिल्कुल सेम रिमोट मिला है मेरे को ओमनी स्कूल वैन के जैसा ही। यहाँ पर देखो, अगर दोनों को मैं साइड बाय साइड रख दूंगा तो आप पहचान नहीं सकोगे कौन सा रिमोट किसका है। इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे हमारी छोटा हाथी ट्रक, दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही मेरे को लग रही है। ओवरऑल दोनों की क्वालिटी मेरे को सेम लग रही है। बाकी आज दोनों के बीच में फाइट करा के देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। चलो गाइस अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं ये पांच कार्स के बीच में फाइट। देखेंगे आज की फाइट में कौन सी कार जीतती है। लेट्स गो एंड फाइट। ये सभी कार्स को लेकर मैं बाहर आ चुका हूँ, एक एक करके सबको टेस्ट करेंगे। आउटडोर में तो ये कार्स बहुत ज्यादा रियल कार जैसी ही दिखाई दे रही है। सबसे पहले ओमनी स्कूल वैन को टेस्ट करके देखते हैं। ये कार का रिस्पांस बहुत ज्यादा क्विक है, एकदम फटाफट तरीके से कार टर्न हो रही है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये कार इतनी अच्छी तरीके से चलेगी। जहां तक लुक्स की बात करूं तो गाइस बिल्कुल एक रियल ओमनी वैन जैसा ही इसका लुक दिया गया है। बाकी चलने में तो भाई ये कार एक नंबर है। अब ये पुलिस जीप को चला के देखते हैं गाइस, ये बिल्कुल एक रियल जीप जैसी सही दिखाई देती है यार। जहां तक कंट्रोलिंग की बात करूं, बहुत अच्छी कंट्रोलिंग इसके अंदर भी दी गई है। स्पीड भी इसकी काफी अच्छी खासी दी गई है। अब ये छोटा हाथी ट्रक को टेस्ट करके देखते हैं। इसके अंदर मैंने अपग्रेड करने के बाद इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये ट्रक बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर सकता है। यहाँ पे देखो यार क्या ही फटाफट तरीके से टर्न मार रहा है ये ट्रक, भाई मजा आ गया इसको तो चला के। अब रेस कराते हैं ओमनी स्कूल वैन वर्सेस छोटा हाथी के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। छोटा हाथी ट्रक हल्का फुल्का होने के कारण इसके अंदर इनिशियल पिकअप ज्यादा है, इस वजह से आगे निकल गया था। पर ओमनी स्कूल वैन भी कुछ कम है नहीं यार, देखो इसको बराबर की टक्कर दे रही है। अब ये थोड़ा सा आगे निकल गई है। अब छोटा हाथी ट्रक पूरी कोशिश कर रहा है इसको ओवरटेक करके आगे जाने के लिए, पर ओमनी वैन इसको बिल्कुल भी चांस नहीं दे रही यार। ओ माय गॉड, थोड़े से डिस्टेंस से ओमनी स्कूल वैन जीत चुकी है रेस को। अब मैं आ चुका हूँ ऑफ रोड में, ओमनी स्कूल वैन की रेस कराते हैं।
पुलिस जीप के साथ। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। ये ओमनी वैन सिर्फ टू व्हील ड्राइव है, फिर भी ऑफ रोड कच्चे रास्ते में बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। क्लियरली आप देख सकते हो ओमनी स्कूल वैन जीत चुकी है ऑफ रोड रेस को भी। अब देखते हैं ये ओमनी स्कूल वैन टाटा योद्धा पिकअप ट्रक को भी रेस में हरा पाती है, यानी ये टाटा योद्धा पिकअप ट्रक भी ऑफ रोडर है पूरी तरीके से। ऊपर ओमनी स्कूल वैन इससे भी ज्यादा तेज मेरे को लग रही है गाइस। देखो फटाफट तरीके से ये अपना गियर चेंज करके बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। मेरे को नहीं लगता गाइस ये टाटा का योद्धा ट्रक इसको पकड़ पाएगा अभी। क्लियरली यहाँ पे भी जीत चुकी है ओमनी स्कूल वैन। अब ओमनी स्कूल वैन की रेस कराते हैं जंगल सफारी ऑफ रोडर कार के साथ। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है। यहाँ पर जमीन बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए हैं। ये देखो यार ओमनी स्कूल वैन को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ओ भाई साहब ये बड़े पत्थर के पास अटक चुकी थी पूरी तरीके से। इसी बात का फायदा उठाकर ये जंगल सफारी ऑफ रोडर आरसी कार बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। अब ये ओमनी स्कूल वैन के अंदर मैंने फुल स्पीड भी बढ़ा के देख ली, फिर भी यहाँ से निकल नहीं पा रही है। क्लियरली आप देख सकते हो ये जंगल सफारी ऑफ रोडर आरसीगर क्लियरली जीत चुकी है रेस में। तो ओमनी स्कूल वैन जीत चुकी थी। अब कराते हैं पुशबैक, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पे भी दोनों के बीच में एकदम टफ फाइट चलने लग रही है। ओमनी स्कूल वैन धीरे धीरे करके छोटा हाथी ट्रक को पीछे ढकेल रहा है। छोटा हाथी ट्रक पूरी कोशिश करके इसको रोकने में लगा हुआ है, पर ओमनी स्कूल वैन इससे थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रही है गाइस। इस बार मैंने गियर यहाँ पे चेंज कर दिया। ये देखो यार पूरी तरीके से पीछे ढकेल के रख दिया। अब ओमनी स्कूल वैन की फाइट कराते हैं जंगल सफारी ऑफ रोडर आरसी कार के साथ। ओमनी स्कूल वैन ने जैसे तैसे करके ऑफ रोडर कार को रोक रखा था, पर ये ऑफ रोडर कार फोर व्हील ड्राइव होने के कारण धीरे धीरे करके ओमनी स्कूल वैन को पीछे ढकेल रही है। और यहाँ पे ओमनी स्कूल वैन के अंदर मैंने ब्रेक्स भी लगा दिए हैं, फिर भी देखो गाइस ये हार चुकी है यहाँ पर। अब ये जंगल सफारी ऑफ रोडर आरसी कार की फाइट कराते हैं टाटा योद्धा ट्रक के साथ। टाटा योद्धा ट्रक ने इतनी जोर की टक्कर मारी कि यार ऑफ रोडर कार का बोनट खुल गया। यहाँ पे भी ऑफ रोडर आरसी कार भारी पड़ती हुई लग रही है टाटा योद्धा ट्रक के ऊपर। ये ट्रक भी पूरी तरीके से ब्रेक लगाकर इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, पर इसको भी इसने हरा के रख दिया है पूरी तरीके से। अब लोड कैपेसिटी टेस्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले छोटा हाथी ट्रक को टेस्ट करेंगे क्योंकि ये लोड लेके जाने के लिए ही बना हुआ है। इसके अंदर मैंने थोड़े से फ्रूट्स डाल दिए हैं। ये ट्रक बहुत अच्छे तरीके से लोड को कैरी कर रहा है बिना कोई दिक्कत के, और इसकी स्पीड भी जरा भी कम नहीं हुई है। अब ओमनी वैन के साथ भी सेम टेस्ट करके देखते हैं। इसके पीछे मैंने एक छोटी सी ट्रॉली बांध दी है, इसके अंदर बहुत सारा लोड डाल दिया है। ये कार बिल्कुल भी ज्यादा वेट नहीं खींच रही यार, इसके व्हील्स यहाँ पर स्लिप होने लग रहे हैं। अब जंगल सफारी ऑफ रोडर आरसी कार को टेस्ट करके देखते हैं। ये कार भाई बिना कोई दिक्कत के बहुत आराम से चल रही है क्योंकि ये फोर व्हील ड्राइव है और ऑफ रोड जैसी कंडीशन में चलने के लिए ही बनाई गई है। फिर सबसे लास्ट में मैंने टाटा योद्धा पिकअप ट्रक को भी टेस्ट करके देखा। ये ट्रक भी लोड लेके जाने के लिए ही बना हुआ है। ये ट्रक भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा वेट भी लेके जा सकता है। ये सभी कार्स के साथ अभी एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में कराने वाला हूँ। यहाँ पर बिल्कुल जंगल जैसा माहौल है यार। देखो बड़ी बड़ी पहाड़ियां भी है, घास भी है, एक के पीछे एक को चलाएंगे गाइस। देखते हैं कौन सी कार यहाँ पर जीतती है आज। ओमनी स्कूल वैन ठीक ठाक तरीके से चल रही है। यहाँ पे क्लाइंबिंग भी थी, बहुत अच्छे तरीके से क्लाइंब कर चुकी है। अब छोटा हाथी को चढ़ाते हैं गाइस। छोटा हाथी को यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग रही है, इसके व्हील ग्रास में फंस चुके हैं यार। देखो व्हील यहाँ पर फिसलने लगे। इसके पीछे आ रही है जंगल सफारी आरसी कार। ये कार बिना कोई डाउट बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है। पीछे पीछे आ रही है टाटा योद्धा ट्रक। अभी ओमनी स्कूल वैन को मैं पत्थर के ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, पर ये बार बार फिसल के नीचे आ रही थी यार, इसलिए मैंने इसको साइड में कर दिया है। अब यहाँ पे एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग होगी इन दोनों कार्स के बीच में। यहाँ पे भी टाटा योद्धा ट्रक जीतता हुआ मेरे को लग रहा है क्योंकि ये ट्रक ऑफ रोड में बहुत तगड़े तरीके से चल रहा है। दूसरे नंबर पर मेरे को लग रहा है जंगल सफारी ऑफ रोडर कार मेरे को लग रही है क्योंकि इसकी स्पीड ऑफ रोड में थोड़ी सी स्लो हो चुकी है अभी। क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर जीत चुका है हमारा टाटा योद्धा ट्रक। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ इन सभी कार्स में से आपको कौन सी कार अच्छी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है बलदेव, अनंत, किरणदीप, अभी, अब्रनील, संदीप, स्वरित, एसके, सलाम, अरुण, कार्तिक। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।